हेलो एवरीबरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास ट्वेल्व की जो आपकी इलेक्टिव बुक है जिसका नाम है कलाइडोस्कोप उसका चैप्टर नंबर फाइव जिसका नाम है वन सेंटीमीटर और आज कवर करूंगी मैं इस चैप्टर के एम यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है ऑल्सो मैग्नेट ब्रेन ने आपके लिए और अच्छी uh, चीज़ें अब अवेलेबल कर दी हैं विच इज ई बुक्स एंड ऑल अगर आपको uh, ऐसा लगता है कि हमारी कोई बुक्स चाहिए या कुछ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म लिंक गिविन है उस लिंक पर क्लिक करिए फॉर्म को फिल करिए एंड आर टीम विल गेट बैक टू यू ओके एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ आर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हु इज़ द राइटर ऑफ़ द स्टोरी वन सेंटीमीटर तो ये जो आपकी स्टोरी है जिसका नाम है वन सेंटीमीटर इसकी राइटर यानी लेखक कौन है आपके सामने फोर ऑप्शंस गिवन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपको जो ऑप्शन लगता है कि सही है या बिल्कुल ऑलमोस्ट सही है या इससे सही आंसर कोई हो नहीं सकता उस ऑप्शन पर आपको करना है एक टिक मार्क ओके सो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं जेम्स जॉयस ऑप्शन बी गैब्रियल गाशा मैकुज ऑप्शन नंबर सी बाय शूमेन या ऑप्शन नंबर डी विलियम ब्लेक विलियम ब्लेक हो नहीं सकते क्योंकि ये राइटर नहीं है विलियम ब्लेक एक पोएट है कवि है तो विलियम ब्लेक तो हो नहीं सकते जो स्टोरी है वन सेंटीमीटर एक चाइनीज स्टोरी पे बेस्ड है जिसको चाइनीज स्टोरी से कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे सामने हमको प्रेजेंट किया गया है तो जेम्स जॉयज़ हो नहीं सकते गैब्रिल्वज़ हो नहीं सकती तो बाय शूमिन ये जो एक लेडी है ये चाइनीज लेडी राइटर है इन्होंने ही ये स्टोरी लिखी है वन सेंटीमीटर एंड शी इज द राइटर ऑफ द स्टोरी अगर आपने मेरे एमसी एक्सप्लेनेटरी वीडियोज देखे होंगे या एक बार भी मेरे समरी वीडियो देखे होंगे या बुक खोली होगी आप विद इन अ सेकेंड ये आंसर बता सकते हैं विच इज ऑप्शन नंबर सी बाई शुमेन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर कौन है हीरो या हीरोइन कौन है सो so, ऑप्शन है ए टाओ यंग बी टियांग सी यांग या डी टिया सो क्लियरली अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो इसकी जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी की वो एक लेडी है जो कि मदर है एक माँ है और उसका नाम है टाओ यंग ओके दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट इज़ द नेम ऑफ टाओ यंग्स सन जो टाओ यंग मदर है उसके बेटे सन का नाम क्या है हमको नाम बताना उसके बेटे का तो ऑप्शन हैं ए हेनरी अब हेनरी नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई चाइनीज़ नाम नहीं है तो ये नहीं हो सकता बी जियाओ ये ये जो एक्स है इसका प्रोनन्सिएशन होगा जियाओ तो जियाओ ये तो ये जियाओ ये ही टाओ यंग का बेटा है सी हैरी अगेन इट इज एन इंग्लिश नेम तो ये हो नहीं सकता या ये. ये अब मियाओ ये, आप बोलोगे ये Chinese name लग रहा है हो भी सकता है. लेकिन अगर आपने स्टोरी पढ़ी है या मेरे देखे हैं हैं हमारे के, definitely आप बता सकते कि जियाओ ये राइट ऑप्शन विच मीन ऑप्शन डी भी गलत है तो ऑप्शन नंबर बी जियाओ ये इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट इज टाओ यंग्स प्रोफेशन जो टाओ यंग है इसका प्रोफेशन क्या है यानी क्या काम करती है तो ऑप्शन हैं ए नर्स क्या वो कोई नर्स है किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक पे नहीं बी ब्यूटिशन क्या कोई ब्यूटिशन है क्या ब्यूटी पार्लर चलाती है मेकअप करती है क्या नहीं ऐसा भी आपकी स्टोरी में कुछ गिवन नहीं है सी बेकर क्या वो बेकर है बेकिंग का काम करती है केक्स पेस्ट्रीज ये सब बनाती है क्या येस yes, वो एक फैक्ट्री में बेकर है और उस फैक्ट्री में उसका एक छोटा सा शॉप या स्टॉल बोल सकते हैं वो है तो बेसिकली ये ब्लू कॉलर वर्कर है यानी लेबर लेबर क्लास uh, वर्कर है ये और बहुत गरीब है और बिल्कुल एक एक पैसा जोड़ती है ऑप्शन नंबर डी ड्रेस डिजाइनर क्या कोई ड्रेस डिजाइनर है बुटीक वगैरह चलाती है ऐसा कुछ भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी बेकर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट डि एवर हर सन इज अराउंड जब भी टाउइंग का तो बेटा उसके आस पास उसके अराउंड होता था या कभी वो उसके साथ कहीं आ जा रही है तो टाँव हमेशा क्या करती थी मैं आपको बता दूं ऑप्शंस बताने से पहले कि टाँव बहुत गरीब थी एक एक पैसा जोड़ती थी वो मेक श्योर sure करती थी कि हर वो चीज़ करूं जिससे पैसा बच जाए लेकिन कभी कभी वो बस की टिकट भी नहीं खरीदती थी अगर कंडक्टर नहीं देख रहा है लेकिन जब उसका बेटा आसपास होता था तो वो डेफिनेटली टिकट खरीदती थी भले उसको कितनी ही महंगी पड़े ताकि उसका बेटा गलत बात ना सीखे उसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाइफ में यही था कि मेरा बेटा गलत बात कभी ना सीखे भले उसके लिए उसको खुद को चेंज करना पड़े खुद की हैबिट्स में बदलाव लाना पड़े अब ऑप्शन देखते हैं ए शी ऑलवेज बॉट बस टिकट्स वो हमेशा बस की टिकट्स खरीदती थी तो जब भी उसका बेटा आसपास होता था वो बस की टिकट्स खरीदती थी बेटा नहीं होता था तो अपनी टिकट भले नहीं ख़रीदती थी बी शी नेवर बॉट बस टिकट्स बेटा आसपास होता था, था तो बस की टिकट कभी नहीं खरीदती थी तो ये तो बिल्कुल नहीं है वो तो बल्कि और खरीदती थी सी शी ट्राइज टू बी एज कल्चर्ड एज पॉसिबल वो जितना कल्चर्ड जितना मैनर्स में होने का पॉसिबल होता था वो करती थी वो जब भी वाटर मेलन खाती थी तो पीस स्पून से खाती थी ऐसा पूरा नहीं खाती थी नहीं तो फिर उसका बेटा जियाओ ये भी वही सीखता और जो कि इल मैनर्ड होता तो वो ये सब कभी भी नहीं करती थी ओके okay? तो ये भी एक राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी की ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही सही है तो येस yes, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी उसका बेटा आसपास होता था तो वो बस की टिकट जरूर खरीदती थी और बहुत कल्चर्ड यानी मैनर्स में होने की कोशिश करती थी जितना हो सके ताकि उसका बेटा भी वही इमिटेट करे यानी कॉपी करे उसको अच्छी चीजें फॉलो करें तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन टू दिस क्वेस्ट नेक्स्ट एज पर द स्टोरी हु आर द बेस्ट इमिटेटर्स इन द वर्ल्ड तो जो स्टोरी है इसमें एक लाइन बोली गई है कि डैश आर द बेस्ट इमिटेटर्स इन द वर्ल्ड इमिटेटर्स यानी जो लोग आपको कॉपी करते हैं यानी देख के बिल्कुल वही नकल उतारते हैं तो इस दुनिया में सबसे बेस्ट कौन आपकी नकल करता है कौन आपको कॉपी करता है तो आपको स्टोरी के हिसाब से बताना है जो स्टोरी में गिव इन है ओके तो ऑप्शन है ए मंकीज बंदर हमको देखते हैं कॉपी करते हैं फॉलो करते हैं हमें इमिटेट करते हैं लेकिन स्टोरी के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है बी चिल्ड्रेन यानी बच्चे बच्चे इस दुनिया के बेस्ट इमिटेटर्स होते हैं यानी हर चीज़ अच्छे से कॉपी करते हैं इसका मतलब ये है कि बच्चों के सामने आप जैसा भी करोगे अच्छी चीज़ करोगे तो वो भी फॉलो करेंगे जो बुरी चीज़ करोगे वो भी आपकी सेम फॉलो करेंगे तो पेरेंट्स के लिए और एल्डर्स के लिए बड़ों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप करो ही वो अच्छी चीज़ जो बच्चे आपको देख के फॉलो करें तो चिल्ड्रन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सी पैरट्स तोता तोता जैसा हम बोलते हैं वैसा बोलते हैं ये बात सही है इमिटेट करते हैं हमको लेकिन स्टोरी के हिसाब से ये ये आंसर नहीं है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव ऊपर दिया गया कोई भी ऑप्शन नहीं तो ये तो हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच डिड ईच टिकट ऑफ बुद्धा टेम्पल कॉस्ट अब टियाओ टाओ यिंग जो है उसके कलीग ने ऑफिस में फैक्ट्री में साथ करने काम करने वाले एक व्यक्ति ने उसको फ्री में एक बहुत फेमस बुद्धा टेम्पल की एक टिकट फ्री में दे दी आपको उस टिकट का कॉस्ट बताना है कि वो टिकट का कॉस्ट या प्राइस कितना था ऑप्शन हैं ए फाइव डॉलर्स बी टेन डॉलर्स सी थ्री डॉलर्स या डी टू डॉलर्स तो क्लियरली बहुत महंगी टिकट थी और एक टिकट ईच यानी एक टिकट का कॉस्ट था फाइव डॉलर्स तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट व्हाट वाज द स्टैंडर्ड हाइट मेंशनड फॉर किड्स इन द बस एंड एट द टेंपल ओके अब वहां पे जब भी वो लोग बस में ट्रेवल करते थे ताओ और उसका बेटा ज़ियाओये या जब भी वो लोग या जब वो लोग बुद्ध टेंपल गए थे तो वहाँ पर बाहर रूल्स एंड रेगुलेशन्स लिखे रहते थे तो वहाँ पर बच्चों की स्टैंडर्ड हाइट कितनी मैंशन थी बड़ों की तो टिकट लगेगी कितनी हाइट होनी चाहिए बच्चों की या इससे कम बच्चों की जो हाइट है अगर तो इन बच्चों की टिकट नहीं लगेगी तो वो स्टैंडर्ड हाइट कितनी थी कि इसके बिलो हाइट में अगर बच्चे होंगे तो उनके टिकट नहीं लगेगी तो ऑप्शंस हैं ए बिलो 115 एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर्स एक सेंटीमीटर से अगर आपका बच्चा कम है तो हाइट नहीं लगेगी बिलो 110 सेंटीमीटर अगर 110 सेंटीमीटर से आपका बच्चा छोटा है तो हाइट टिकट नहीं लगेगी बिलो 111 सेंटीमीटर या डी बिलो 112 सेंटीमीटर की इनसे अगर कम हाइट है तो आपके बच्चे की हाइट नहीं टिकट नहीं लगेगी तो क्लियरली बिलो हंड्रेड एंड इज द राइट ऑप्शन तो दिस क्वेश्चन की चाहे बस में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो या बुद्धा टेम्पल में आपको एंटर करना है अगर आपके बच्चे की 110 सेंटीमीटर से हाइट कम है तो आपके बच्चे की टिकट नहीं लगेगी सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन पर स्टोरी नेक्स्ट, temple एंट्रेंस अब Tao Ying अब बहुत एक्साइटेड है उसका बच्चा भी बहुत एक्साइटेड है जियाओ ये कि भाई आज हम जाएंगे बुद्धा टेंपल घूमने तो जैसे ही टेंपल में एंट्रेंस पे मंदिर के एंटर करने पर वो लोग पहुंचे तो वहां पर खड़े होकर टाव य को किसने इंसल्ट किया किसने टावय की बहुत बेजती करी तो आंसर पहले मैं ऑप्शंस बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ आपको ए टेंपल अथॉरिटीज़ जो टेंपल की अथॉरिटीज़ हैं यानी जो कमिटी ग्रुप ऑफ लोग हैं जो टेंपल की देख करते हैं क्या उन लोगों ने टाव यंग की इंसल्ट करी बेज़ती करी नो no. वो कोई एंट्रेंस पर थोड़ी खड़े रहेंगे बी गार्ड ऑफ द टेंपल जो टेंपल का गार्ड है जो चौकीदार है क्या उसने एंट्रेंस पे बेइज्जती करी तो एंट्रेंस पे येस यस गार्ड ही रहता है जो चेकिंग वगैरह करता है तो उसने इंसल्ट करी थी क्यों करी थी दैट आई विल टेल यू सी हर फ्रेंड उसकी कोई फ्रेंड ने इंसल्ट करी थी तो कोई फ्रेंड साथ में नहीं गई थी और कोई ऐसी फ्रेंड का मैंशन भी नहीं है चैप्टर में या डी नोबडी किसी ने भी उसकी इंसल्ट नहीं करी तो ये भी बिल्कुल नहीं है क्लियरली जो गार्ड था टेम्पल का उसने टाविय की बहुत इंसल्ट करी थी क्यों क्योंकि जब टाव यंग ने अपनी टिकट दी तो उसको अंदर जाने को बोल दिया और जब बच्चे की टिकट लगनी लगनी थी तो उसने बोला कि यहाँ पे मेजरिंग स्केल है बेटा अपनी हाइट नापो अपनी मेजर करवाओ तो बच्चे की हाइट थी 111 सेंटीमीटर यानी 110 सेंटीमीटर से ऊपर यानी बच्चे की टिकट लगेगी लेकिन टाओ इंग के पास तो एक ही वो टिकट थी जो उसके ऑफिस के फैक्ट्री के फ्रेंड ने उसको गिफ्ट करी थी दूसरी टिकट उसने खरीदी नहीं थी वो को इतनी अमीर नहीं थी जो दूसरी टिकट खरीद लेगी लेकिन अभी अभी वो लोग बस से ट्रैवल करके ही आए हैं मंदिर में घूमने के लिए अब भी अभी जस्ट और बस में जब चेक किया उसने तो 110 सेंटीमीटर थी उसके बच्चे की हाइट तो बस में जब वो गए बस से जब वो लोग लो अभी अभी आए हैं तो वहाँ तो उसके बच्चे की टिकट लगी ही नहीं और टेम्पल में एक सेंटीमीटर आ गई तो बस से टेम्पल तक आने में क्या बच्चे की एक सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई टाव यंग ने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की गार्ड को पर गार्ड ने कंटिन्यूअसली उसकी बहुत बेजती करी कि तुम जैसे लोगों को हम जानते हैं ये और वो तो गार्ड ही वो इंसान था जिसने जिसकी गलती भी थी और जिसने टावय की एंट्रेंस पे बहुत इंसल्ट भी करी तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हु सेट दीज लाइन्स इन द स्टोरी माइन आर फ्लैटरिंग स्केल्स स्टोरी में ये लाइन किसने बोली कि माइन आर फ्लैटरिंग स्केल्स और इस लाइन का मतलब क्या है कि जो मेरे स्केल्स हैं जो मेरे वेट और हाइट मेजर करने के जो स्केल्स हैं जो मेरी मशीन है वो फ्लैटरिंग स्केल्स हैं यानी चापलूसी करने वाले स्केल्स हैं अब आप बोलेंगे चापलूसी करने वाले स्केल क्या होते हैं तो पहले ऑप्शन देखते हैं कि किसने बोला और ये फिर क्यों बोला ये आल एक्सप्लेन तो ऑप्शन देखते हैं ए गार्ड क्या टेम्पल के गार्ड ने ये चीज़ बोली नहीं उसने तो इंसल्ट करी थी ये चीज़ नहीं बोली थी गार्ड ने बी लाओ चियांग लाओ चियांग वही फैक्ट्री का कलीग था यिंग का जिसने फ्री में उसको बुद्धा टेम्पल के आने की एक टिकट फ्री में दी थी वो खुद नहीं आया था तो ये कोई हाइट या वेट मेजर करने वाला थोड़ी था ये क्यों बोलेगा ये तो अच्छा इंसान था सी ओल्ड वुमन मंदिर के ही बाहर एक छोटे से आइसक्रीम का जो पार्लर या ऐसे कुछ स्टॉल लगा था उसके पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी वो मेजरिंग स्केल्स लगा के बैठी थी यानी कि हाइट और वेट नापने के वो स्केल्स बना के बैठी थी उस ओल्ड वुमन उस बूढ़ी वुमन ने टाओ यंग को ये बोला येस yes. तो इस ओल्ड वुमन ने ही बोला था क्यों बोला था ये भी एल एक्सप्लेन डी जियाओ ये जियाओ ये तो बेटा ही है किसका टाओ एंग का तो वो क्यों बोलेगा कि मेरे स्केल्स फ्लैटरिंग है वो कोई वो तो खुद खड़ा हुआ है अपनी हाइट नप के लिए खुद नाप थोड़ी है, रहा है उसके पास कोई स्केल्स थोड़ी हैं तो जियाओ ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है अब ओल्ड वुमन ने ऐसा क्यों क्यों बोला कि मेरे चापलूसी वाले स्केल्स हैं क्यों, क्योंकि आज के जमाने में लोगों को ट्रिम दिखना है पतला दिखना और लंबा दिखना है तो उसने अपने स्केल्स को कुछ ऐसे एडजस्ट करके रखा था कि जो मोटा इंसान है वो पतला दिखता है जो नाटा यानी शॉर्ट हाइटेड इंसान है वो थोड़ा टॉल दिखता है तो जिया हाइट हंड्रेड एंड नाइन सेंटीमीटर्स थी जो यहां पर आके एक सौ 12 सेंटीमीटर या कुछ 111 सेंटीमीटर सॉरी 111 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रही थी तो वो बोल रही थी कि मैं अभी अभी बस से आई हूँ 110 सेंटीमीटर ही थी अब तुम्हारे हाथ पे फिर चेक किया है तो 111 सौ ग्यारह यानी एक सेंटीमीटर ऊपर कैसे दिख रहा है आई मीन दो सेंटीमीटर ऊपर वो एक सेंटीमीटर का था तो दो सेंटीमीटर ऊपर कैसे दिख रहा है तो इसने बताया कि इसीलिए तुम्हारा बेटा लंबा दिख रहा है क्योंकि मेरे चापलूसी करने वाले स्केल्स हैं यानी ग्राहकों को खुश करने वाले स्केल्स हैं मोटे को पतला और शॉर्ट हाइटेड को टॉल दिखाने वाले स्केल्स हैं मेरे सो ऑप्शन नंबर सी ओल्ड वुमन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हु टू राइट अ लेटर अब टाओ यंग की टेम्पल के बाहर गार्ड ने बहुत इंसल्ट करी जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी जब वो घर आई तो उसने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और बोला कि मैं एक लेटर लिखूंगी न्यूज़पेपर वालों को और मेरा लेटर फिर आगे टेंपल अथॉरिटीज़ तक जाएगा और मैं अपनी बात सामने रखूंगी कि मेरी गलती नहीं थी मेरी बिना किसी रीज़न से बहुत इंसल्ट करी गई उस वजह से मेरे बच्चे की नज़रों में मैं गलत साबित हो गई उसको ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने एक टिकट का पैसा बचाने के लिए ऐसा किया और हम पूरा फ़न करने निकले थे मंदिर घूमने निकले थे और पूरा दिन बर्बाद कर दिया तो ये लेटर लिखने में टाओ इन की मदद किसने करी ऑप्शन है हर हस्बैंड क्या उसके पति ने नहीं उसने तो बल्कि ये बोल दिया था कि अगर लिख भी दोगी तो क्या ही हो जाएगा ओके बी हर नेबर उसके पड़ोसी ने ऐसा पड़ोसी वगैरह का कुछ मेंशन नहीं है स्टोरी में सी हर फ्रेंड क्या उसके दोस्त ने ऐसा किसी फ्रेंड का मेंशन नहीं है स्टोरी में या ऑप्शन नंबर डी हर कलीग निकनेम्ड द राइटर उसकी ही फैक्ट्री में काम करने वाला उसका सहकर्मी कलीग जिसका निक नेम था याने, जिसको सब प्यार से द राइटर करके बुलाते थे फैक्ट्री में क्या उसने मदद करी थी यस उसी ने मदद करी थी उसको द राइटर बोलते क्यों बोलते हैं क्यों क्योंकि कई सालों पहले किसी न्यूज़पेपर के बहुत थर्ड क्लास कॉलम्स में वो कुछ अपनी आर्टिकल्स वगैरह लिखता था इसलिए सब उसको लेखक महोदय के नाम से ऐसे प्यार से पूरी फैक्ट्री में बुलाते थे अब लिखने में थोड़ा बहुत तो अच्छा था इसलिए टाउयिंग ने उससे हेल्प मांगी और टावयिंग ने Uh, और इस बंदे ने टाओ को पूरा लेटर लिखने में हेल्प करी कि तुम पहुंचाओ टेंपल की अथॉरिटीज तक सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ़ गिफ्ट डिड यंग गिव टू हर कलीग अब ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक्स थैंक्स बोलने के लिए जब आप किसी को कोई तोहफा या गिफ्ट देते हो तो जो कलीग था टाओ का द राइटर लेखक महोदय जिससे उसने लेटर लिखने में हेल्प करी थी अब उसने पूरा लेटर लिखवाया टाविंग को तो टाव ने थैंक्स गिविंग गिफ्ट क्या दिया उसको मतलब धन्यवाद के रूप में क्या गिफ्ट दिया उसको तो ऑप्शन हैं ए अ केक क्या उसने कोई केक दिया बी अ शर्ट क्या कोई शर्ट दी सी अ वॉलेट यानी जेंट्स के रखने वाला वॉलेट पर्स दिया या डी अ जैकेट क्या कोई जैकेट दिया सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओके उसने केक गिफ्ट किया क्यों क्योंकि उसी फैक्ट्री में वो उस, वो बेकर थी केक्स बनाने का काम करती थी और इसीलिए उसने वही दुकान थी उसके पास उसने थैंक्स में उसको बहुत अच्छा सा केक गिफ्ट किया सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज ज़ियाओज़ हिज हाइट व्हेन द टेंपल ऑफिशियल्स मेजर्ड हिम अब फाइनली लेटर पहुंच गया टेंपल के ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों के पास ताओ यिंग का और उनको लगा कि नहीं शायद कुछ मिस्टेक है तो वो लोग आए टाओ के घर तक ओके okay? जब वो घर पे आए तो उन्होंने उनके बेटे ज़ियाओ ये की हाइट नापी मेज़र करी तो जब उन लोगों ने घर पे आके उसके बेटे की हाइट मेजर करी तब जियाओ ये की हाइट कितनी थी तो ऑप्शन हैं ए 109 सेंटीमीटर्स बी 111 एंड सेंटीमीटर्स सी 112 सेंटीमीटर्स या डी 110 सेंटीमीटर्स सो दी राइट ऑप्शन इज 110 एंड टेन सेंटीमीटर्स तो अब जब उन लोगों ने बोला कि भाई आपके बच्चे की हाइट तो 110 सेंटीमीटर है यानी हमारा गार्ड वहाँ पे सही था तो टाव यंग ने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं एक महीना नौ दिन पहले आपके मंदिर आई थी और तब मेरे बेटे की हाइट तो 109 सेंटीमीटर थी यानी 110 सेंटीमीटर से कम थी यानी कि मेरे बच्चे की टिकट नहीं लगेगी और आपको आने में इतने दिन लग गए एक महीना नौ दिन इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में मेरे बच्चे की एक बढ़ इसलिए अब इस पे आपको 110 सेंटीमीटर दिख रही है राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट आफ्टर हाउ मेनी मंथ एंड डेज डेट टेम्पल होम कितने महीने और कितने दिनों के बाद जो मंदिर के ऑफिशियल्स हैं टेंपल के जो अधिकारी वगैरह थे वो टाव यिंग के घर पे आए तहकीकात करने की आखिर कौन सा तो अभी अभी मैंने आपको बताया था वन मंथ नाइन डेज बाद तो ऑप्शन देखते हैं ए मंथ 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 डेज 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 नो 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 तो एक महीना नौ दिन बाद टेम्पल ऑफिशियल यिंग के घर आए विच मीन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट कॉम्पनशेसन वॉज ऑफर्ड बाई टेम्पल ऑफिशियल्स अब जो टेम्पल ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने क्या ऑफर किया कॉम्पनसेशन यानि मुआवजा टाओं को भाई उन लोग उन, उनकी गलती निकल आई तो उन्होंने कहा चलो कॉम्पनसेशन में कुछ मुआवजे में आपको दे देते हैं क्योंकि हर जाना हम दे देते हैं क्योंकि हमारी गलती थी हमारे गार्ड से गलती हुई है तो टेम्पल ऑफिशल्स ने क्या ऑफर किया कॉम्पनसेशन ऑप्शन हैं ए कैश अमाउंट ऑफ फाइव पाँच डॉलर की एक टिकट थी तो पाँच डॉलर की एक टिकट का पैसा का कैश उन लोगों ने ऑफर किया तो यस yes, एक ये चीज उन्होंने ऑफर करी थी बी टू टू फ्री टिकट्स ऑफ द टेम्पल मंदिर की दो फ्री टिकट्स की आप कभी भी आओ फ्री में आप टेम्पल हमारा घूमो करो कुछ भी करो तो टोटल तो 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 दस डॉलर की दो फ्री टिकट फ्री में दी उन्होंने यस yes, ये भी उन्होंने ऑफर किया था टाउ इनको सी कैश अमाउंट ऑफ फिफ्टीन डॉलर्स पंद्रह डॉलर का कैश अमाउंट तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था इतनी की तो टिकट भी नहीं थी दोनों की मिला के ये ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एन बी की ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है तो यस ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है यही दोनों चीजें ऑफर करी थी टेम्पल ऑफिशियल्स ने टाविंग को उसके घर पे सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट द टाओ एक्सेप्टेड द कॉम्पनसेशन जब टेम्पल ऑफिशियल्स ने उसको ये कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा पैसे फ्री टिकट ये सब देने का बोला तो क्या टाओ यंग ने ये मुआवजा ये कॉम्पनसेशन एक्सेप्ट किया ले लिया उनसे ऑप्शन हैं ए एस हाँ बी नो no, नहीं सी मे बी हो सकता है या डी नॉट मैंशनड इन द स्टोरी स्टोरी में मैंशन ही नहीं है कि उसने लिया कि नहीं लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल स्टोरी में मैंशन है टाओ यंग ने ये मुआवजा एक्सेप्ट नहीं किया उसने नहीं लिया उन लोगों से यह पैसा सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन क्यों नहीं लिया वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वाई डिड टाउ इंग रिफ्यूज द कॉम्पन्शन ऑफर्ड ऑफिशियल्स वही क्वेश्चन कि टाओ यंग ने क्यों रिफ्यूज कर दिया क्यों मना कर दिया टेंपल ऑफिशियल से वो कॉम्पेंसेशन वो मुआवजा लेने के लिए जबकि वो तो कितनी गरीब थी एक एक पैसा बचाती थी पांच डॉलर रुपीस कैश या मंदिर की दो फ्री टिकट्स टोटल दस डॉलर की दो फ्री टिकट लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया तो ऑप्शन हैं ए बिकॉज एट दैट मोमेंट मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ह उस मोमेंट में जब वो लोग आए थे उसका बेटा जियाओ ये भी सामने खड़ा था देख रहा था कि उसकी माँ गलत नहीं है टेम्पल ऑफिशियल्स की गलती थी इतने दिन से उसका बेटा उसको गलत ही मान रहा था लेकिन आज प्रूफ होना जा रहा था कि उसकी माँ की गलती नहीं है तो उस मोमेंट पे पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था तावयिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट था तो ये तो चीज़ सही है कि उस मोमेंट पे पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था बी बिकॉज गेनिंग रिस्पेक्ट इन हर सनज आइज वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी क्योंकि ताओइंग अपने बेटो बेटे की आंखों में वो रिस्पेक्ट फिर से देख पा रही थी जो उसके लिए था क्योंकि इतने दिन से उसका बेटा यही समझ रहा था कि हम इंजॉय करने गए थे हमारा दिन बर्बाद हो गया फन बर्बाद हो गया जस्ट बिकॉज मेरी माँ झूठी है वो एक टिकट नहीं खरीद पाई लेकिन आज वो दिन आ गया था कि वो फिर से वो रिस्पेक्ट गेन कर रही है वो सम्मान गेन कर रही है ले रही है वापस अपने बेटे की आंखों में देख रही कि मेरा बेटा मुझे सही मान रहा है और मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है तो पैसे से ज्यादा ये जो रिस्पेक्ट वो देख रही थी अपने बेटे की आंखों में वो इम्पॉर्टेंट थी उसके लिए तो ये दिस इज ऑल्सो राइट सी

आई होप आपको सारे एम अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि है मैगनेट डॉट कॉम क्योंकि मैगनेट ब्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर